तो प्रदेश में होने वाले निकायों के चुनाव में बीजेपी जेजेपी आमने सामने होंगी। जी हां, 31 महीनों के बाद दरअसल अब बीजेपी जेजेपी के गठबंधन में गांठ पड़ती दिखाई दे रही है। अक्टूबर 2019 में मिलकर सरकार बनाने के बाद दोनों दल एक साथ कदम ताल करते आ रहे थे, लेकिन 19 जून को होने वाले निकाय चुनावों में दोनों की राहें अब अलग हो गई है। दोनों दलों के रणनीतिकारों का मानना है कि 28 नगर पालिकाओं और 18 नगर परिषदों में अलग अलग चुनाव लड़ने से दोनों दलों को अपनी अपनी जो जमीनी ताकत है जानने का मौका मिल जाएगा। 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी और जेजेपी के लिए निकाय और पंचायती राज चुनाव रियलिटी चेक होंगे। लेकिन राजनीति के जानकारों का यह कहना है कि अब ये अलग अलग चुनाव लड़ने की जो रणनीति है, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, क्या रणनीति यहां पर कांग्रेस माफ कीजिएगा यहां पर बीजेपी और जेजेपी जो है वो बना रही है, इस पर अब सबकी निगाहें। हालांकि जजपा विशुद्ध रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि की पार्टी मानी जाती है और कहीं जजपा शहरों में अपना जनाधार ना बना ले, इसीलिए उसे चुनाव में साथ लेकर उतरने से परहेज किया गया है, ये तक अब कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक राहें एक साथ है लेकिन चुनावी राहें अलग अलग क्यों है, इस पर अब सवाल जो है यहां पर उठने लगे हैं। हालांकि ये बात साफ है कि शायद इस बात का अंदाजा जेजेपी को पहले से था कि बीजेपी जो है वो निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी और जाहिर तौर पर इसी के चलते जेजेपी ने पहले ही इस पर ऐलान कर दिया था कि वो अपनी जो तैयारियां हैं वो यहां पर उसने पूरी कर ली हैं। तो बता दें कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी का शहरी निकाय चुनाव में साथ नहीं चाहती थी और यही कारण है कि ये चुनाव अकेले लड़ने का फैसला उसने एक तरीके से जजपा को झटका यहां पर माना जा रहा है। हरियाणा में दूसरी बार सत्ता में आई भाजपा, जब अपने 75 पार के नारे को जीत में तब्दील नहीं कर सकी तो 27 अक्टूबर 2019 को उसने शीर्ष नेतृत्व ने 10 विधायकों वाली जजपा यानी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इनेलो से अलग होकर पहली बार चुनाव लड़कर 10 विधायक जीतने वाले जजपा बार बार कहती रही कि यह गठबंधन लंबा चलेगा। जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है। पीछे दो बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी हमने उनका साथ दिया और उन्हें चुनाव लड़वाया। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, वो फ्रेंडली लड़ लेंगे। प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि अभी आपसे पहले हमने ये अजय चौटाला की भी जो बाइट है वो हमने अपने दर्शकों को सुनाई है, उन्होंने कहा कि जेजेपी ने हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाया है लेकिन चुनावी राहें के बीजेपी जेजेपी की अलग अलग हो गई है कि अब निकाय चुनाव जो है वो अलग अलग लड़ने वाली है, बीजेपी अलग और जेजेपी अलग। गठबंधन के अंदर ये कोई शर्त नहीं थी कि जो भी चुनाव प्रदेश में होगा दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, ऐसा तो गठबंधन के अंदर कोई शर्त नहीं थी जी। ये गठबंधन चुनाव के बाद हुआ गठबंधन था जिसके अंदर प्रदेश सरकार में दोनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं, निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव या कोई और भी चुनाव जी। ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि दोनों मिलकर लड़ेंगे, दोनों दल स्वतंत्र हैं, चाहे वो मिलके लड़े चाहे वो अलग अलग लड़े। निकाय चुनाव में प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर प्रदेश के सभी नेताओं ने एक मत से ये सुझाव दिया कि हमें निकाय चुनाव अकेले लड़ने चाहिए जी। जिसको पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया, पार्टी नेतृत्व ने इस बात की घोषणा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी, गठबंधन में नहीं लड़ेगी। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, उस बीच ये बयान भी तो आया है, अभी हमने जो सुनाया अजय चौटाला का बयान, उन्होंने कहा कि हमने तो दो बाय इलेक्शन भी हुए थे उसमें भी साथ निभाया है, लेकिन अब इस तरीके का यहाँ पर फैसला जाहिर तौर पर, क्योंकि कहा तो जो राजनीतिक जानकारों का कहना यहाँ पर यह भी है कि जो पृष्ठभूमि जो है जेजेपी की वो ग्रामीण क्षेत्र की है और बीजेपी जनाधार शहरी इलाकों में ना बना पाए जेजेपी, इस वजह से जेजेपी को अपने साथ शहरी निकाय चुनावों में लेकर नहीं उतरना चाह रही है, ये तक कहना है। देखिए, ये तो राजनीतिक कयास है, पॉलिटिकल स्पेकुलेशन है, हर आदमी अपने ढंग से कयास लगाता है, हर ढंग से अपने ढंग से विश्लेषण करता है, मीडिया का भी अपना विश्लेषण है।
लेकिन जहां तक पहले जो दो बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें दोनों दलों ने मिलकर यह किया था कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बड़ौदा उपचुनाव में जब दोनों दलों की बैठी हुई तो जैसे कि कायदा होता है जेजेपी को भी ऑफर किया गया कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप स्पष्ट कीजिए, आप लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो वो आपस में दोनों दलों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। इस बार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इस बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। नहीं, इस बार पता ही नहीं थी। मैंने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने यह सुझाव दिया कि हमें अकेले लड़ना चाहिए, जिसको पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार किया। चलिए ठीक है, आपके पास आती हूँ प्रवीण अत्रे जी, जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ दीप कमल सारण भी इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। और सवाल आपसे ये कि राजनीतिक जो सफर था वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ यहाँ पर चला आ रहा था, लेकिन चुनावी जो सफर है वो क्यों जुदा जुदा यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है? निकाय चुनाव अलग क्यों ऐसा फैसला लिया गया? नहीं देखिए, ये तो आपने मेरे ख्याल से किसके आधार पर आप मेरे से पूछ रहे हैं वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि इस बारे में तो जो भी बातचीत है, जो भी सवाल है, आपको भारतीय जनता पार्टी से ही पता करने पर उनके जवाब मिलेंगे। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। हम पहले भी, जब से गठबंधन हुआ है, जब से सरकार एक साथ से चल रही है, हम गठबंधन के साथ हैं और दोनों विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं, इससे पहले निकाय के चुनाव भी एक साथ लड़े हैं और इस बार भी हमारी तरफ से पूरी तरीके से यही प्रपोजल था कि हम साथ लड़ सकते हैं। जीत का दावा तो जेजेपी भी अपनी तरीके से पुरजोर तरीके से कर रही है निकाय चुनावों को लेकर। क्यों नहीं करना चाहिए, पार्टी है तब सभी, अब सभी सीटों पर लड़ेगी तो जीत के इरादे से ही लड़ेगी। असर क्या होगा, भविष्य का असर किस तरीके से देखते हैं आप दीप कमल सारण जी? फिर मैं प्रवीण अत्रे जी के पास भी आऊंगी इसको लेकर। नहीं, असर तो आप ही देखिए, आप लोग खबर चला रहे हैं, आप ही असर बताइए। हमें तो जो अपनी पार्टी के लिए अच्छा होगा वो हम करते रहेंगे जी। प्रवीण अत्रे जी, 2024 में चुनाव भी है, उससे पहले इन चुनावों को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ना, क्या ये परखा जा रहा है कि किसका कितना जनाधार है? क्योंकि पहला जो आपका एक सवाल ये है कि 2024 से पहले इन चुनाव को कैसे पता, हालांकि मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर इस तरह की बातें कही जाती है कि ये सेमीफाइनल है, 2000 का जो है वो सेमीफाइनल होगा। हालांकि जितना हरियाणा प्रदेश में कुल मतदाता है जी, उनके लगभग 10% मतदाता ही इन चुनाव में निकाय चुनाव में वोट डालेंगे। अब आप देख लीजिए कुल मतदाताओं का अगर 10-11% मतदाता वोट डाल रहे हैं, आप चाहे सेमीफाइनल मान लीजिए, चाहे उसको आप लिटमस टेस्ट मान लीजिए, ये विश्लेषण का है। लेकिन जहां तक चुनाव का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी इन निकाय चुनाव में जीत के आएगी। हर चुनाव निकाय में भारतीय जनता पार्टी प्रथम लहर आएगी, ऐसा आप मान के चले, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के अंदर सरकार ने जो धरातल पे काम किया है वो प्रदेश की जनता ने उसको सराहा है और वो इन निकाय चुनाव में हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन गठबंधन धर्म आपने तोड़ दिया, क्योंकि इस तरीके के कयास लगाए यहाँ पर जा रहे हैं। और जो अभी अजय चौटाला की तरफ से भी बयान आया था, क्योंकि उनके शब्दों से तो यही पता लग रहा था कि गठबंधन धर्म बीजेपी की तरफ से नहीं निभाया गया, दरार के तौर पर देखा जा रहा है इस गठबंधन को, ये सफर, ये साथ आगे चल रहा है, आगे चलता रहेगा, इस बात की गारंटी है। देखिए ऐसा है कि अजय सिंह जी का बयान मैंने भी सुना, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि गठबंधन धर्म हमने तोड़ दिया। उन्होंने इतना जरूर किया कि उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया और ये बात हम भी कहते हैं कि गठबंधन धर्म निभाया, गठबंधन धर्म निभाया, हमने हमेशा साथ दिया। हाँ तो देखिए ऐसा है, जो इससे पहले दो उपचुनाव हुए हैं उसमें जेजेपी हमारे साथ थी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया क्या सर? मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया? वही मैं देखिए, गठबंधन में ये कोई शर्त नहीं, जब गठबंधन हुआ था तो वो प्रदेश सरकार चलाने का गठबंधन हुआ था, उसमें कोई ये शर्त नहीं थी कि आने वाले सभी चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, ये किसी की तरफ से ऐसी कोई शर्त गठबंधन की नहीं थी जी। तो इसलिए आप इसको ये मत मानिए कि किसी ने गठबंधन कभी निभाया नहीं, तो शर्त नहीं कल पता नहीं होता जी। लेकिन अजय चौटाला जी ये तो बात कह रहे हैं कि हमेशा से, चाहे जब भी इससे पहले दो बाय इलेक्शन हुए तो जेजेपी ने पुरजोर तरीके से उनका साथ दिया, पूरी तरीके से आपके साथ रहे, लेकिन अब, और दीप कमल सारण जी आपका इस ओर क्या कहना है, क्या बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया? क्योंकि वो ये थे जो प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि हमने इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि हमने गठबंधन धर्म निभाया। देखिए आप इस बार को, इस बात को 4 बार 6 बार
धीमी आवाज में, तेज आवाज में, गुस्से में कैसे भी पूछेंगी तो जवाब अजय सिंह चौटाला जी दे चुके हैं। नहीं, जननायक जनता पार्टी ने अपनी तरफ से गठबंधन के लिए जो जिम्मेदारियां थी वो ठीक तरीके से निभाई हैं। नहीं तो वही तो बताइए ना दीप कमल सारण जी, अजय जी ने जो जवाब दिया उसका सीधा मतलब क्या है? वो क्या कहना चाहते थे? सीधा मतलब आप समझदार हैं, आप उन्होंने ये सर हम समझदार हैं, पब्लिक भी तो समझदार, पब्लिक को भी तो समझाना पड़ेगा ना सर। वो आप समझाएंगे प्रवक्ता के तौर पर, हम हमारा काम है सवाल पूछना, आप समझाइए ना सर जनता को। तो जब मेरी बात तीसरी बार में भी आपको ही समझ में नहीं आ रही है तो फिर किसी सर मेरे समझ में आ रही है सर साफ तौर पर। प्रवीण अत्रे जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभय जी ने ये नहीं कहा कि हमने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है, तो फिर अभय चौटाला जी ने कहा क्या है फिर? अजय चौटाला जी बोल रही हूँ सर, कि अजय चौटाला जी ने कहा क्या है? आपने नहीं सुना क्या? मैंने सुना है सर, मैंने सुना है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य सीधा बता दीजिए कि सीधा बीजेपी पर आरोप है कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया। अजय सिंह जी तो बहुत ही सरल हिंदी में बात करते हैं, उन्होंने अपनी बात बहुत ही जितनी पुख्ता तरीके से कहनी थी उन्होंने कह दी बात, वो आपके पास है मौजूद, उसको सुन लीजिए बार बार। ये चिल्लाने से क्या हो जाएगा, क्यों इतना उतावलापन है इसके अंदर? आपको सारी स्थिति आपके सामने है, आपका जो मर्जी विश्लेषण कीजिए। पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से अजय सिंह जी, डॉक्टर अजय सिंह जी स्पष्ट रूप से अपनी बात कह चुके हैं और वही बात मैं दोहरा चुका हूँ। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम सर देखिए बड़ी विनम्रता के साथ मैं बोल रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमने अजय चौटाला जी के बयान को ढंग से नहीं सुना है। एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनाते हैं वो बाइट। गुस्से में मत होइए आप, आराम से सुनाइए। धन धर्म निभाया है, पीछे दो बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी हमने उनका साथ दिया और उन्हें चुनाव लड़वाया। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, वो फ्रेंडली लड़ लेंगे। ये बयान हमने सुना और आपने भी यहां पर सुना है। अब जाहिर तौर पर अब इसका परसेप्शन यहां पर क्या बन रहा है? देखिए दीप कमल सारण जी, आप शायद आपको लग रहा है मैं बहुत चिल्ला के बोल रही हूं, बहुत विनम्रता के साथ सर मैं एक बात यहां पर बोलना चाह रही हूं। अजय चौटाला जी ने इस बात का जिक्र किया है कि ठीक है, अब जब उन्होंने फैसला ले ही लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ठीक है फिर लड़ लें। इसका मतलब यहां पर जो सलाह मशवरा गठबंधन धर्म था यहां पर कि चुनाव एक साथ करना है नहीं करना है, इस बात का जिक्र या इस बात की बातचीत जो है वो नहीं हुई, ये तो समझ सकते हैं सर? ये तो आपने जब थोड़ी देर पहले प्रवीण अत्रे जी से पूछा था तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। जी तो जेजेपी के साथ इसको लेकर कोई बातचीत जो है नहीं हुई है? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव समिति की बैठक में इसमें फैसला लिया है, उन्होंने फैसला लिया है, अच्छी बात है। हम अपनी पार्टी की तैयारी पहले से जो है 40 सीटों पर है हमारी, सब जगह काम कर रहे थे, अब सब जगह पे चुनाव भी लड़ेंगे। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप कमल सारण जी और प्रवीण अत्रे जी इस तमाम चर्चा के लिए।